Good afternoon and welcome to yet another session of our online trainings. Jaisa ki already humne communicate kiya hai ki aaj ki training jo hogi, isme hum Facebook lead generation pe focus karenge. Ki how is that you can generate leads using Facebook? Okay. इस मंथ में प्रीवियसली हमने कुछ क्रिटिकल ट्रेनिंग्स ली थी. इफ यू रिमेम्बर हमने डिजिटल सीआरपीओ पे ट्रेनिंग ली थी, हमने कैनवा पे ट्रेनिंग ले ली थी जहां पे हमने थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग और बाकी यू नो कंटेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इनपुट्स दिए थे आपको. और हमने लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग करी थी फेसबुक बेसिक्स को लेके कि आपको पेज कैसे सेट करना है, आपको बूस्ट कैसे करना है पोस्ट को, और आपको लाइक अपने लाइक पेज कैंपेन कैसे चलाना है या अपने पेज को प्रमोट कैसे करना है, एंड क्या क्या चीजें नेसेसरी है सो दैट आपका जो भी एड का इम्पैक्ट है वो बना रहे. ओके, सो दैट्स व्हाई टुडेज ट्रेनिंग हम डायरेक्टली जाएंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे. बट बिफोर आई गिव यू द डेमो, कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन. Yes, I'll be keeping my training both in English and Hindi. So, agar aapko kahin pe samajh nahi aa raha hai, so please raise your hand and you can ask me a question as well. Okay? So, I'll try to keep it in both Hindi and English like always. Okay, so Facebook advertising kyun important hai? Before that, very important thing we need to understand is that डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिडरिंग जितने भी ट्रेंड्स हो रहे हैं, जितना भी एवोल्यूशन हो रहा है आजकल की टेक्नोलॉजी में, उसको सीखने के लिए या एक कंपटीशन में बने रहने के लिए, अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन टूल्स को अडॉप्ट कर सकें, राइट. And also considering today's pandemic, we have हर कोई concerned है कोरोना को लेके. अभी हर कोई isolation में है, घर पे बैठे हुए हैं. तो I'm sure like you know हमारे पास भी बहुत ज्यादा time है, लोगों के पास time है. So they want to spend in some useful ways. या बहुत सारे लोग देखेंगे उनको कुछ part time करने को मिले या उनको कुछ full time करने को मिले. और they will look for alternatives जहाँ पे वो घर से काम करें या घर से कुछ engagement करते रहें खुद को, राइट. सो दिस इज द राइट टाइम दैट वी टॉक अबाउट आवर बिजनेस इन एथिकल वे. चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी सोशली रेस्पॉन्सिबल कि हम गलत क्लेम्स ना करें, हम इस ट्रेजेडी को या इस सिनेरियो को बिल्कुल गलत तरीके से यू नो प्रमोट ना करें कि लाइक यू नो दैट इज हाउ we need to take care of our online communication, online promotion. So, chahe aap opportunity ki baat karo, aap products ki baat karo, please be careful ki aap logon ko kya kehte ho, because these things matter a lot. Also, interestingly, main ek webinar karunga aapke saath in the first week of April, jo ki live streaming ko leke hoga exclusively, jahan pe main aapko ideas dunga, jahan pe main aapko tips dunga, jahan pe main aapko content ke ideas bhi dunga, ki aap लाइव स्ट्रीमिंग को जो भी हमारे एक या दो महीने रहेंगे, दीज विल बी क्रिटिकल मंथ्स, राइट. मे बी लॉकडाउन विल कंटिन्यू, मे बी लाइक यू नो हमें बहुत टाइम से घर बैठे बैठे काम करना पड़े, वी डू नॉट नो एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग पे ट्रेन करूंगा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कैसे कैसे लाइव कर सकते हैं, क्या क्या ख्याल रखना है आपको, आपको किन किन इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है, सो दैट आप अपना एक फुल फ्लेज्ड होम बेस्ड बिजनेस प्रमोट कर सको ऑनलाइन. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक टुडे जो कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग है. आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. यू हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम. सम पीपल आर वेरी न्यू टू इट. देयर माइट बी फ्यू पीपल जो पहली बार कर रहे हैं. सो आइडियाज, द वे टू डू इट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी वन. यहां पे हम आपको बस डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि दैट इज हाउ यू नीड टू डू इट. तो बिफोर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, फेसबुक एडवर्टाइजिंग को लेके जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, दैट इज दे कीप ऑन कंफ्यूजिंग विद बूस्ट पोस्ट एज वेल एज फेसबुक एड्स. दीज आर पार्ट ऑफ द सेम प्लान, बट थोड़ा सा डिफरेंस है फेसबुक एड्स में और बूस्ट पोस्ट में, एंड वी शुड नो इट. हमें पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एक एड में और एक बूस्ट पोस्ट में. ओके,
जब हम एक बूस्ट पोस्ट की बात करते हैं, बूस्ट पोस्ट और द पोस्ट विच आर डन ऑन योर फेसबुक पेज फर्स्ट एंड देन यू क्लिक ऑन बूस्ट प्रमोट दैट पोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पेज पे कोई चीज पोस्ट करी, राइट, बट वट आई डू इज दैट ये ऑटोमेटिकली कुछ लोगों तक पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेज पे कोई कॉन्टेंट डाला, उसको 200 लोगों ने देखा, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच, यानी अपने आप मेरा कॉन्टेंट कितने लोगों तक पहुंचा. लेकिन जब हम देखते हैं जो आपके कंटेंट का एंगेजमेंट होता है, जो आपके कंटेंट का रीच होता है, दैट इज वेरी लिमिटेड. जब आप पेज पे पोस्ट करते हो, आपने खुद देखा होगा कि पेज पे आपको बहुत कम कमेंट्स आते हैं, बहुत कम लाइक्स आते हैं, बहुत कम शेयर्स आते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ता है, हम उस कॉन्टेंट में कुछ एक्स्ट्रा मनी डालते हैं, 40 रुपीज 50 रुपीज 70 रुपीज 100 रुपीज 200 रुपीज, जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो. और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो बूस्ट पोस्ट है, इट कीप्स ऑन रीचिंग टू न्यू पीपल. ओके, दूसरा जो बूस्ट पोस्ट है, दे आर विजिबल टू ईच एंड एवरीवन. फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो पोस्ट आपके पेज पे होता है, दैट पोस्ट इज ऑलरेडी ऑन टू योर पेज, सो वो जो बूस्ट पोस्ट है, इट विल बी ऑन योर पेज एज वेल, और वो आपके टारगेट को भी दिखेगा, हूएवर यू आर बूस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैं आजकल एक बूस्ट चला रहा हूं जिसको मैं दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में रन कर रहा हूँ. सो ऑल द पीपल हु फॉल अंडर माय टारगेट इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, उनको मेरा बूस्ट पोस्ट दिखेगा, साथ में ही वो बूस्ट पोस्ट मेरे पेज पे भी दिखेगा, राइट, क्योंकि वो पोस्ट मैंने पहले पेज पे किया होता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई टॉक टू लीडर्स एंड दे से कि नहीं, उन्होंने तो बहुत सारे बूस्ट पोस्ट चलाए, उनको लीड्स नहीं आती है. सी, बूस्ट पोस्ट कभी भी लीड गारंटी नहीं करते हैं. बूस्ट पोस्ट का जो एक्चुअल फंक्शन होता है, वो होता है आउटरीच ऑफ योर कंटेंट. वो होता है कि आपको विजिबिलिटी दे दे, आपको ट्रैक्शन दे दे, योर बिजनेस रीच टू न्यू पीपल, योर पेज रीच टू न्यू पीपल, आइडियली. लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अगर आपका पेज राइट सेटअप है, अगर आप रेगुलरली कॉन्टेंट पोस्ट करते हो, और अगर आप टारगेटिंग और बजटिंग सही से करते हो, तो आपके पास एंगेजमेंट के साथ साथ कुछ लीड्स भी आना शुरू हो जाता है. इट्स वेरी वेरी पॉसिबल एंड इट्स हैपनिंग एज वेल. इफ यू जस्ट रन अ प्रमोट पेज कैंपेन नाइसली, तो लॉट ऑफ पीपल विल सेंड यू अ मैसेज एज वेल ऑन फेसबुक, हे आई लाइक यूर पेज, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर बिजनेस. एंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे विल बी जस्ट फ्री लोडर, जो टाइम वेस्ट करेंगे, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. एंड दैट थिंग हैपन्स बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. ओके, सो अगर ये बूस्ट पोस्ट है, तो फिर हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम एड्स. देन वी सी, जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो आपको फेसबुक एड अकाउंट से रन करने होते हैं, यानी आपका एक एड अकाउंट होता है जहां से आप एड रन कर सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे बूस्ट पोस्ट आपके पहले पेज पे पोस्ट होता है, लेकिन जो एड होता है वो आपके पेज पे पोस्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली आपकी टारगेट को चला जाता है. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बूस्ट पोस्ट एंड एड. बूस्ट पोस्ट पहले मेरे पेज पे चला जाता है, उसके बाद में उसको बूस्ट करता हूँ, बट एड आई रन फ्रॉम माई फेसबुक एड टूल. And my ad is shown only to my target audience and it's not visible onto my page. And when I talk about advertisement, also we see that jo Facebook ad tool hai, it gives us options to run different kind of ads. Mujhe apni website pe traffic leke jana hai, mujhe lead generate karni hai, mujhe apne event ko promote karna hai, mujhe apne video pe zyada se zyada comments aur zyada se zyada views chahiye. मुझे डायरेक्टली फेसबुक मैसेंजर में लीड चाहिए. सो वट एवर काइंड ऑफ एड आई रन, वट एवर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव आई हैव, मैं उस तरीके का एड रन कर सकता हूँ फेसबुक पे. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इफ वी हैव द एडवर्टाइजिंग फैसिलिटी ऑन फेसबुक, वट काइंड ऑफ एड्स वी कैन रन. ओके, एंड हाउ वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ अवर एडवर्टाइजिंग. लास्ट मंथ मैंने एक ट्रेनिंग करी थी डिजिटल टूल्स एंड फेसबुक एड बेसिक्स को लेके, कि अगर आप एड करते हो, एड करने से पहले क्या क्या बेसिक्स हैं आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से टूल्स आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा एड मटेरियल क्रिएट करने में, एंड आप फिर एक इफेक्टिव एड कैसे रन कर सकते हो. तो अगेन इन द नेक्स्ट मंथ वील डू दैट ट्रेनिंग अगेन, बिकॉज काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है दो ट्रेनिंग्स का. एक तो कैनवा की ट्रेनिंग लोग फिर से मांग रहे हैं, एंड पीपल आर ऑल्सो आस्किंग फॉर द फेसबुक एड बेसिक्स एंड डिजिटल टूल्स वाली ट्रेनिंग. सो इन अप्रैल वील डू दोज ट्रेनिंग्स एंड वील डू द ट्रेनिंग फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल.
Now that I understand the difference between the boost post and an advertisement, now I need to ask myself first, ki theek hai, mujhe ad kaise chalana? That is one thing. See, learning to run an ad is easy. Har koi seekh sakta hai. मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी भेजूंगा, यू कैन फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन ऑल्सो रन एन एड. लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है लोगों को? व्हाई आर पीपल स्ट्रगलिंग? बिकॉज दे डू नॉट रिसर्च, दे डू नॉट डू एनी ग्राउंड वर्क. वो जस्ट किसी कॉपी पेस्ट चीज को फॉलो करते हैं, दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. टेक्निकलिटीज बहुत ईजी है. इफ यू वॉन्ट टू रन एन एड, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो टूडे. I share the recorded version with you. आप easy steps follow करके अपने लिए एक ad run कर सकते हैं, right? But where is the catch? The catch is in terms of understanding कि picture कौन सी अच्छी लगेगी, caption कौन सा अच्छा लगेगा, किस target को कौन सा picture या कौन सा caption attract करेगा, कितना budget मैं रखूँ एक दिन का, किस type का मुझे ad चलाना है, मैं क्या क्या creative scope ला सकता हूँ अपने content में, so that ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे details भेजते हैं. And that is where you need to upgrade yourselves. So first things first, aap pehle plan karo ki aapka budget kitna hai. And decide a monthly budget for yourself. For example, for the month of April, agar aap ghar baithe baithe lead generate karna chahte ho, just first thing is that ki aapke paas advertisement ke liye budget kitna hai. Do you have 500 rupees monthly? Do you have 1000 rupees monthly? Do you have 5000, 10000 rupees monthly? ये डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट कितना है बिजनेस का और आपका बजट कितना है. तो डिफाइन योर बजट, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद लीडर्स पैन इंडिया. हर किसी का अपना अपना स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज है और हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है. बट मिनिमम अगर आपको देखना है, आपको एटलीस्ट 300 से 500 का रुपए का एड तो चलाना चाहिए. वाई? क्योंकि आपकी जो पर लीड कॉस्ट है वो 3 रुपया भी हो सकती है, 4 रुपया भी हो सकती है, 10 रुपया भी जा सकती है, 25 रुपया भी जा सकती है, किसी किसी केस में 50, 60, 70 रुपए भी जा सकती है. ये टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम के डायनामिक्स कितने हैं. सो दैट्स व्हाई 300 to 500 rupees अ डे इज अ गुड बजट फॉर एनी काइंड ऑफ एड. और दूसरी चीज आप जो आपको ख्याल रखनी है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा. क्या मुझे लोगों को वेबसाइट पे भेजना है अपनी? क्या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अपना डिटेल भेजें पूरा? क्या मैं चाहता हूँ कि लोग डायरेक्टली मेरे साथ मैसेंजर में कनेक्ट हों? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो कंटेंट को लोग ज्यादा से ज्यादा देख के मुझे रीच आउट करें? या मैं कोई इवेंट प्लान कर रहा हूँ, उस इवेंट के लिए मुझे अटेंडेंस बढ़ानी है, राइट? सो वी नीड टू डिफाइन. एंड वी हैव एड्स ऑफ एवरी काइंड, वी हैव एड्स ऑफ एवरी फॉर्मेट, जो अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा वंस वी गो टू द प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन. वंस आई एम डन विद द बजटिंग, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड वेदर फेसबुक एड्स आर रियली इफेक्टिव. यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, विच इज द एड टू स्क्रीनशॉट ऑफ वन ऑफ द लीडर्स. और अगर आप देख रहे हो, एड्स आर हैपनिंग इन द लोकल लैंग्वेज, राइट? एट द सेम टाइम जो कॉस्ट है लीड जनरेशन का, यानी आपका पर लीड कॉस्ट बहुत कम पड़ता है और आप क्विकली किसी भी लोकेशन में कहीं पे भी किसी भी टाइम अपने एड कैंपेन को शुरू कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस लीडर इज रनिंग 5 ads, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं ये एड. और अगर आप देख रहे हो 5 ads में से अभी तक जो हमने बजट इसमें स्पेंड किया है वो है 4600 rupees, और ऑलरेडी 528 लीड्स हैव बीन जनरेटेड. यानी आपका जो पर लीड कॉस्ट है, यानी 4600 rupees खर्च करके आप 528 लीड जनरेट करते हो. इट मीन्स दैट आपका जो पर लीड कॉस्ट है वो 8-8.5 रुपए के बीच में है यहाँ पे एवरेज. वाई? बिकॉज कोई एड होगा जहां पे आपका पर लीड कॉस्ट ज्यादा चला जाएगा. वो डिपेंड करता है टारगेटिंग पे, राइट? किसी एड में क्या होगा कि आपका जो पर लीड कॉस्ट है वो बहुत कम होगा. सो दैट इज हाउ इट बैलेंस आउट. बट आइडियली 8-10 रुपए तक एवरेज कॉस्ट रहता है आपके लीड जनरेशन एड्स का. जब आपको एड रन करना है, आपको बस कुछ चीजों का ख्याल रखना है. सी, मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूंगा आज, बट गोइंग फॉरवर्ड जब आप खुद से एड रन करना शुरू करोगे, कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग जो आपको खुद से पूछना है, वो पूछना है कि व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव, यानी मैं ये एड रन क्यों कर रहा. क्या मुझे
लीड चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, क्या मुझे डायरेक्टली अपने मैसेंजर में लीड चाहिए, क्या मुझे अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेजना है, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे इवेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा अटेंडीज आ जाए। पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपरेशन। अगर आप बिना प्रेपरेशन के ऐड चलाओगे, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे वो ऐड टूल में आ गए और ऐड चला दिया विदाउट एनी प्लान, फिर उनको प्रॉब्लम होती है आगे जाके, मेरा ऐड तो अप्रूव नहीं हुआ, मेरी पर लीड कॉस्ट तो बहुत ज्यादा जा रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम। दैट प्लीज डोंट डू दैट, टेक सम टाइम, द वर्ल्ड इज नॉट एंडिंग एट राइट, सो प्लीज टेक सम टाइम। एंड जब भी आप अपना कॉन्टेंट प्लान करोगे, द फर्स्ट थिंग यू शुड फोकस ऑन इज कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस टाइप का एड रन कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज वन। जब आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, द सेकेंड थिंग यू शुड बी आस्किंग इज ओके, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल लीड्स आ जाए, लेकिन मुझे कैसी लीड चाहिए, हु एम आई टारगेटिंग, क्या मैं स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं एक होम मेकर को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं एक यंग मदर को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं एक वर्किंग वुमेन को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं कपल्स को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं किसी सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहा हूँ, जो भी है डिफाइन कि इस एड से आपका टारगेट सेगमेंट कौन है, आप किसको रीच आउट करना चाहते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटलाइन, स्पेंड सम टाइम, प्रिपेयर योर सेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। वरना एड हर कोई चलाता है, लेकिन किसी किसी को बहुत रिजल्ट्स आते हैं, किसी को रिजल्ट्स नहीं आते। व्हाई? क्योंकि वो बिल्कुल एडहॉक बेसिस पे काम करते हैं बिना प्लान। एडवर्टीजमेंट बहुत इफेक्टिव है गाइज, इफ यू जस्ट लर्न इट एंड डू इट, आपको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, एंड बहुत ईजी है। ओके, जो ही मैंने अपना टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन किया, देन कम्स द थर्ड थिंग कि मुझे रेलिवेंट क्रिएटिव बनाना, यानी एक पिक्चर ढूंढनी है। अगर मैं पिक्चर यूज कर रहा हूँ एड के लिए, एक अच्छी सी पिक्चर बनाऊ मैं, या तो मैं क्रिएट करूं नया, या अगर मेरे पास कोई पिक्चर है उसको एडिट करूं, राइट? वरना मैं ऐसे एड टूल पे आ गया, फिर मैं इमेज कोई उठा ली रैंडम और एड चला लिया और हो गया, फिर तो हर कोई एडवर्टाइजर बन जाएगा, राइट? नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायनामिक्स जहां पे मुझे बहुत केयरफुल रहना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चूज द रेलिवेंट क्रिएटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक एड चला रहा हूँ जहां पे मैं वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहा हूँ, तो आई विल आइडियली चूज अ क्रिएटिव जहां पे मैं आराम से कोने में लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ और उसको थोड़ा मैं एडिट करता हूँ, एक अच्छा बनाता हूँ, सो दैट इट लुक्स गुड ऑन सोशल मीडिया, राइट? तो जो ही मैंने क्रिएटिव ही बना लिया, उसके बाद क्या करूंगा, मैं कैप्शन बनाऊंगा। ठीक है, उस एड के बारे में आपको कुछ तो लिखना होगा, इट कैन बी अ स्मॉल वन लाइन, इट कैन बी टू सेंटेंसेस, बट यू विल राइट समथिंग अबाउट इट। तो आप पहले से ये चीज प्लान करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जब भी आप एड रन करते हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ इज कि मैं क्यों एड रन कर रहा हूं, यानी कौन सा एड मैं रन कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा। वंस आई एम क्लियर विद द ऑब्जेक्टिव, देन हु एम आई टारगेटिंग, मैं किन को टारगेट कर रहा हूं, मुझे किस तरीके की लीड चाहिए। जब वो भी क्लियर हुआ आपको, देन यू कम टू द थर्ड स्टेप जहां पे आप एक अच्छा क्रिएटिव बनाएंगे, एक अच्छा पिक्चर पोस्ट बनाएंगे जो आप एड के लिए यूज करेंगे, एंड फाइनली आप क्या करोगे, आप अपने कैप्शन को प्लान करोगे, राइट? एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका बजटिंग है, आप 500-1000 रुपए जो भी आपने डिसाइड किया है बजटिंग टाइम, आप उसमें उतना बजट इन्वेस्ट करोगे। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली गो टू द डेमो सेशन, एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। आई एम श्योर अभी दिख नहीं रहा होगा। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? यहाँ पे आपको स्नेहा बॉमिक का ये दिख रहा होगा फेसबुक। सो थैंक यू स्नेहा फॉर शेयरिंग द लॉग इन क्रेडेंशियल्स, एंड टूडे विल बी यूजिंग योर अकाउंट फॉर द डेमो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सबके पास फेसबुक प्रोफाइल है, राइट? आई होप सबके पास फेसबुक पेज भी हो। वाई? क्योंकि जब तक आपके पास फेसबुक पेज नहीं होगा, आप तब तक अपने एड रन नहीं कर सकते। तो बहुत दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फेसबुक एड के। वन, आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए, और आपके पास एक अच्छा प्रॉपरली सेटअप बिजनेस पेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पेज बना रखा है लेकिन ना ही उसमें पिक्चर है, ना ही उसमें अबाउट सेक्शन है, ना ही वहां पे मैं कॉन्टेंट पोस्ट करता हूँ। अगर आप ऐसा अप्रोच लेके काम करते हो, फिर आपके एड कभी भी सही परफॉर्म नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम करंटली फेस कर रहे हैं। अगर अभी 1000 लोग डिजिटली काम करते हैं, 1000 में से सिर्फ 50 से लेके 100 लीडर्स ऐसे हैं
जो अपने पेज को काफी सीरियसली लेते हैं, जो अपने पेज पे रेगुलरली कंटेंट डालते हैं, जो अपने पेज को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं. व्हाई? बिकॉज एडवर्टीजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल आर वेरी केयरलेस अबाउट देयर बिजनेस पेज एंड देन वो एडवर्ट चलाते हैं बट इट विल नॉट फेच यू द काइंड ऑफ रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, नाउ लास्ट टाइम मैंने आपको सारा सिखाया था कि लाइक यू नो पेज कैसे क्रिएट करना है, कैसे एड अकाउंट सेट करना है. तो आज डायरेक्टली हम अब डेमो में जाएंगे एंड नाउ आई हैव टू रन माय एड एंड स्नेहा विल क्लिक ऑन क्रिएट. यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया. नाउ काफी ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं पेज क्रिएट करने का, ग्रुप इवेंट मार्केट प्लेस लिस्टिंग करने का और यहाँ पे एड करने का. तो आई विल क्लिक ऑन एड. जो ही हमने ऐड पे क्लिक किया आप देख रहे हो यहाँ पे एक डैशबोर्ड डिस्प्ले होता है जिसको हम कहते हैं फेसबुक ऐड टूल. और ये टूल ऐसा टूल है जहां से आप घर बैठे बैठे अपना सारा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन. यानी आपको लीड्स के लिए यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है. आप ऐड टूल सीख लो, घर बैठे बैठे अपने लिए डिजायर्ड लीड्स जनरेट करो. Now once I come to the ad tool, आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे ad है. ब्रांड अवेयरनेस को ad है, रीच को लेके ad है, फिर ट्रैफिक, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेज को लेके ad है, कन्वर्शन, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक. बट इसमें क्या है, हमारे लिए सारे ad रिलेवेंट नहीं है. बहुत ad इसमें ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट इफ यू लुक एट इट बहुत सारे ad ऐसे हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है. तो कन्वर्शन जैसे है, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, ये सारा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है. अवेयरनेस टू सम एक्सटेंट बट अगेन हम अभी अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. देन जो बीच वाली कैटेगरी है कंसिडरेशन की, जहां पे हम ट्रैफिक वाले एड रन कर सकते हैं, जहां पे हम एंगेजमेंट वाले एड रन कर सकते हैं, जहां पे हम वीडियो व्यूज को लेके एड चला सकते हैं, जहां पे हम लीड जनरेशन एड कर सकते हैं, जहां पे हम डायरेक्टली फेसबुक मैसेज वाले एड कर सकते हैं, यहां से हमें अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना है कि मुझे किस टाइप का एड चलाना है. जैसा कि हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि आज के दिन हम लीड जनरेशन एड का डेमो लेंगे, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे. जो ही मैंने लीड जनरेशन पे क्लिक किया, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्रिएट अ लीड जनरेशन एड अपने लिए. एंड द फर्स्ट थिंग यू सी इज आपको कैंपेन का नाम देना होता है. नाउ फॉर एग्जांपल अभी ये जो एड चला रहा हूं मैं, दिस इज अ लीड जनरेशन एड विच आई एम डूइंग इन कोलकाता, मे बी कोलकाता में सर्टन पार्ट और से लाइक यू नो वेस्ट बंगाल में. इसमें आपके पास नीचे दो ऑप्शन आते हैं, एबी टेस्ट का तो प्लीज या ऑप्टिमाइजेशन का. अभी टाइम बीइंग लेट देम बी एंड डू नॉट टच देम. आप सिर्फ कैंपेन को नाम दे दो कि ये लीड जनरेशन एड है, ये वेस्ट बंगाल में रन हो रहा है. And you are running it on, say for example, आज का डेट लेता हूँ March 23. इससे क्या होता है, tomorrow when you are running lot of ads, maybe आप एक साथ 10 ad run कर रहे हैं, वरना अगर आप नाम नहीं देंगे तो हर एक ad एक जैसा दिखेगा. You will have no clarity कि which ad you are looking at. लेकिन जब आप ad को एक unique नाम देते हो तो आपको idea मिलता है कि okay ये lead generation ad है जो मैंने Bengal में चलाया था और यहाँ पे मैंने March 23 को एड रन करा था. राइट, सो दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस. अगेन देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स कि आपको कैंपेन का नाम देना है, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए. ओके, सो डू नॉट स्ट्रेस ऑन टू दिस थिंग. उसके बाद आई क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ इट्स वेरी इजी. जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये जो दो सेट है, तीन सेट है बेसिकली, कैंपेन, फिर एड सेट और फिर आता है एड. राइट, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके इन तीन कंपोनेंट्स को फिल करना है, ऑल द डिटेल्स. कैंपेन तो मैंने ऑलरेडी चूज किया कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है लीड जनरेशन. आप देखो एड सेट नेम बता रहा है. अगेन इसको मैं नाम दे सकता हूं या ऐसे रहने दे दूं, दैट इज अगेन अप टू यू. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल.
अब क्या करना है मुझे, जब मैं एड सेट में आ गया, मैंने एड सेट को नाम दिया, सबसे पहले मुझे अपना पेज सिलेक्ट करना है, यानी मुझे किस वाले पेज के लिए एड चलाना है। अगर आपके पास एक ही पेज है तो इट विल ऑटोमेटिकली पुल अप दैट पेज, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्नेहा के पास शायद मल्टीपल पेज है, राइट, हाँ, तो इन दैट केस ये ऑटोमेटिकली जो आपका प्राइमरी पेज है उसको ऑटोमेटिकली लेगा। बट इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इस वाले पेज के लिए एड नहीं चलाना है, दूसरे पेज के लिए, तो आप यहां से पेज चूज करेंगे, ओके। अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली आपका यहां से पिक करेगा आपका पेज। नाउ इन लॉट ऑफ केसेस आप देखो यहां पे फेसबुक मुझे कह रहा है कि आपने एक्सेप्ट करी है टर्म्स एंड कंडीशंस लीड जनरेशन एड्स की, तो मैं फिर से देखूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको प्रॉम्प्ट आएगा कि अभी आपने एक्सेप्ट नहीं करी है, तो जैसे स्नेहा हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा से एक्सेप्ट करूं, मैंने ऑलरेडी करी है। देन आप देखो जो ही मैंने पेज चूज किया, डायनामिक क्रिएटिव ये ऑप्शनल है, ये ऑफ है, इसको अब अभी ऑफ ही रहने दो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ऑडियंस चूज करूंगा। ऑडियंस होती है बेसिकली कि आप किन को टारगेट कर रहे हो, आपको किस तरीके का लीड चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस एड स्नेहा इज आइडियली लुकिंग फॉर मैन ओनली जो घर से काम करना चाहते हैं। हमने बहुत बार एड चलाए जहां पे वुमेन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के एड में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यू वांट टू रीच आउट टू मैन हु आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग, हु आर लुकिंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और हु वांट टू हैव एन अल्टरनेट करियर और पार्ट टाइम इनकम, राइट। तो आज हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन को टारगेट करेंगे, तो नाउ यू सी जो ही ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं, अभी यहां से हमें एस्टिमेट आता है, तो रीच इज इन लाइक मिलियंस। तो फेसबुक मुझे कहता है कि डेली बेसिस पे आपका एड जो है इट विल रीच टू मिनिमम 4,500 पीपल एंड मैक्सिमम 113 पीपल, और डेली बेसिस पे जो आपको लीड मिलेंगी आपको मिनिमम 21 लीड्स मिलेंगी और मैक्सिमम 62। दिस इज द एस्टिमेट विदाउट एनी टारगेट, अभी कोई डिफाइंड टारगेट नहीं कर रहा है मैंने। नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं कस्टम ऑडियंस में कुछ नहीं करूंगा और आपको भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रादर आपको अपनी टारगेट ऑडियंस क्रिएट करनी है। And how do you do that? Location, right? Then I'll go to edit. जैसे इंडिया में, इंडिया में आपको कहाँ चाहिए? Now, for example, she is saying that she wants leads in West Bengal. एक तो कोलकाता से चाहिए हमें leads. Okay. Another place I chose in Kolkata. Now for example हमने तीन सिटी चूज करी, हमने कोलकाता चूज किया, हमने मुर्शिदाबाद चूज किया, हमने आसनसोल चूज किया। तो वंस वी चोज दीज थ्री डिफरेंट सिटीज इन कोलकाता, यहाँ पे देखो आपका एक एस्टिमेटेड रीच आता है, आप देखो यहाँ पे एस्टिमेट आ रहा है, राइट। तो इतने लोगों तक आपका एड पहुंचेगा, लेकिन अभी मैंने इसमें सिर्फ लोकेशन डाला है, अब एज डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैन को अभी इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल मैन को टारगेट कर रहे हैं जो 23 से लेके 33 की एज ग्रुप में, और जेंडर क्या आप दोनों मैन एंड वुमेन को रीच आउट करो। फॉर एग्जाम्पल दिस एड मैं सिर्फ मैन को टारगेट कर रहा हूं। नाउ अगर आप देखोगे आपका जो ऑडियंस है वो कितना कम हो गया, इट्स 45 लाख नाउ, राइट। नाउ फेसबुक इज टेलिंग यू कि अगर आप सिर्फ मेन को टारगेट कर रहे हो जो 23 से लेके 33 एज ग्रुप के बीच में है और जो रहते हैं इन थ्री सिटीज में, वहां पे आपको जो मैक्सिमम पोटेंशियल रीच है आपके कंटेंट की, इट्स 45 लाख पीपल, और डेली बेसिस पे आपका जो कॉन्टेंट है इट विल बी सीन बाय मैक्सिमम अप 12,000 और आपके पास 22 से लेके 64 लीड्स डेली बेसिस पे आ सकती हैं। बट इफ यू लुक एट इट, अभी जो मेरा टारगेट ऑडियंस है इसमें कुछ बेसिक फिल्ट्रेशन नहीं करी है मैंने, राइट। माय ऑडियंस इज वेरी वेरी जेनेरिक, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने बेसिक डेमोग्राफिक लिया है, एज, लोकेशन और जेंडर, मैंने और कुछ नहीं किया, राइट। तो अब क्या करूंगा, मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा फिल्टर करूंगा, आई विल जस्ट एड मोर कंपोनेंट्स टू इट सो दैट कि मेरी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ जाएं जिनके साथ मैं इजीली बात कर सकूं। नाउ उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिटेल टारगेटिंग में जाऊंगा।
So I'll click on detail targeting. For example, मैंने edit पे जो ही click किया, now मैंने browse पे click किया. जब आप detail target में जाते हो, आपके पास तीन option दिखते हैं. Demographics दिखता है, interest दिखता है और behavior दिखता है. और आज हम थोड़ा सिर्फ demographics की बात करते हैं. For example, मैंने demographics पे click किया और मैं कहता था मुझे तो education वाला filter लेना है. यानी मैं सिर्फ ऐसे लोगों की डिटेल चाहता हूं जिनकी एटलीस्ट कोई बेसिक एडुकेशन हो, हल्का सा पढ़े लिखे हो. इट्स योर क्राइटेरिया, जरूरी नहीं है. तो फॉर एग्जांपल एडुकेशन लेवल, हाई स्कूल लीवर, एटलीस्ट उन्होंने हाई स्कूल पास आउट किया हो. आप देख रहे हो जो ही मैंने हाई स्कूल लीवर लिखा तो यहां से मेरा जो ऑडियंस है वो सिर्फ 2,50,000 है नाउ, जो कि 45 लाख था, राइट? सॉरी 4,50,000 था. तो और 2 लाख कम हो गए. यानी अब सिर्फ ऐसे लोग जुड़ेंगे मेरे साथ जो इन तीन सिटी से है, जो सिर्फ मेन है, जो 23 से 33 एज ग्रुप में है और जो एटलीस्ट हाई स्कूल पास आउट है. यानी या तो वो बाद में कॉलेज भी गए होंगे, पीजी भी किया होगा कि कुछ लोगों ने, और कुछ लोग सिर्फ हाई स्कूल में पास आउट करके ही लाइक यू नो अपना कुछ और बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन बेसिक एडुकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन है कि एटलीस्ट हाई स्कूल पास आउट तो है. नाउ आप क्या कर सकते हो, आप इसमें और फिल्टर भी लगा सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि नहीं मुझे तो थोड़ा और भी चाहिए, तो आप क्या करो, जैसे दूसरा फिल्टर में लगा दो इंटरेस्ट, कि कौन सा इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल जिनका इंटरेस्ट हो वर्क फ्रॉम होम में, तो मैंने इसमें वर्क फ्रॉम होम ये लिया इंटरेस्ट. ये देखो आप इसमें आप इंटरेस्ट चूज करोगे. अगेन आप देखो मेरी ऑडियंस सेम रह रही है, इट मींस दैट दिस टारगेट इज ऑल सेट. यानी 2.5 लाख लोग जो पोटेंशियल टारगेट है इन तीन सिटीज में, दीज आर द मैन प्राइमरीली, और ऐसे मैन जो हाई स्कूल पास आउट है और जिन्होंने कभी भी वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्ट दिखाया है. जी मैंने ऑडियंस भी सिलेक्ट कर ली. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, प्लेसमेंट, राइट? यहां से देख रहे हो आप प्लेसमेंट. प्लेसमेंट में 2 ऑप्शन आते हैं. नाउ यू हैव द ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड यू हैव द मैनुअल प्लेसमेंट. ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रिकमेंडेड है जैसा कि आप देख रहे हो. इट मींस दैट फेसबुक आपको कहता है कि मैं आपके बजट को मैक्सिमाइज करूंगा, मैं आपके एड को कम बजट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूं. ओके तो आप भी इसको हमेशा क्या रखेंगे, ऑटोमेटिक. एंड ऑल्सो इसका ये मतलब है कि आपका जो एड है वो टाइमलाइन में भी दिखेगा, वो आपको राइट हैंड साइड सेक्शन में भी दिखेगा, ये मार्केट प्लेस में भी दिखेगा, इवन कि इंस्टाग्राम पे भी लोगों को दिखेगा. तो अगेन मैं यहाँ पे प्लेसमेंट को ऑटोमेटिक रखता हूँ. उसके बाद आई विल कम टू बजट एंड स्केड्यूल. एंड इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे बजट एंड स्केड्यूल में मैं किस लिए ऑप्टिमाइज करूँ अपने एड को, लीड्स के लिए. मुझे तो लीड ही चाहिए, राइट? सो आई विल नॉट चेंज इट. फिर आपके पास कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल. अगेन इसको आप रहने दे दें. बजट में जो इंपॉर्टेंट है वो है ये बजट चूज करना. नाउ फॉर एग्जांपल मैंने लाइफ टाइम बजट यूज किया और मैं कह रहा हूं कि मुझे इसमें 1,500 रुपए खर्च करने इस एड में. ओके इसमें डेट में चूज करूंगा आज, 16 कर देते हैं, सॉरी आज 4 बजे से. अगर मैं 1,500 करता हूं तो मैं 500 का आइडियल 3 दिन का बजट रखता हूं, तो 23, 24, 25 तक या 26 तक मैं अपना एड रन करूंगा. सॉरी 26 मार्च तक. यस ओके. Now you see what I am doing here is that मैं 1,500 रुपए का बजट रख रहा हूँ अपना एड 4 दिन मेरा रडोरा 23, 24, 25, 26 तक, और मैं 1,500 बजट इन्वेस्ट करके यहाँ पे मुझे एस्टिमेट आ रहा है. तो फेसबुक मुझे कहता है कि डेली बेसिस पे आपका जो नाउ एड है इट विल रीच टू 2,700 पीपल मिनिमम एंड मैक्सिमम 7,800, और आपको डेली बेसिस पे मिनिमम 13 एंड मैक्सिमम 49 लीड्स आ जाएंगे. Now I am done with the ad set part. यहां से मैं क्या करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा. अब मैं लास्ट वाले स्टेज में हूं और बहुत
easy hai ye sara. If you look at it, it's not very difficult. Identity. Identity mein automatically aapka page aur aapka जो इंस्टाग्राम अगर कनेक्टेड है तो दोनों चूज हो जाते हैं. तो ऑटोमेटिकली ये कह रहे हैं कि देखो इस पेज के लिए चलाना है तो ये ऑटोमेटिकली सेट ही है, राइट. फॉर्मेट कैरोसेल या सिंगल इमेज, यानी आपको किस तरीके का एड चलाना है. कैरोसेल होता है जब आपने कभी एड देखा होगा मिंत्रा का या अमेजन का या मोस्टली ई कॉमर्स का, जहां पे बहुत ज्यादा इमेज आती है एड में, 5-6-10 इमेज आती है, राइट. उसको कैरोसेल कहते हैं. और कभी कभी ऐड आते हैं हमारे पास जहां पे हमें सिर्फ एक इमेज दिखती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ होम में जाएं, लेट्स फिगर आउट इफ वी गेट टू सी एनी ऐड. ये देखो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ रही है, किधर गया, ये कोविसाइट का फ्री टूल टू ग्रो योर फेसबुक ग्रुप. ओके, तो मे बी स्नेहा वॉज डूइंग सम रिसर्च अराउंड फेसबुक ग्रुप्स की ग्रुप्स को या किसी डिजिटल टूल्स को लेके, तो ऑटोमेटिकली उनको एक रेलिवेंट एड दिख रहा है. व्हाई? बिकॉज़ स्नेहा इज वर्किंग ऑनलाइन, शी इज वर्किंग डिजिटली, तो उसको एक रेलिवेंट एड भी दिख रहा है. अगर आप ये एड देखोगे, इसमें आप देखो साइन अप का ऑप्शन है, जो आपने साइन अप किया तो आपको उनकी लैंडिंग पेज पे लेके जाएगा जहां पे आप उनको डिटेल दे सकते हो. सिमिलरली ये सिंगल इमेज एड है, तो हम भी क्या कर रहे हैं, एक सिंगल इमेज एड रन कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं सिंगल इमेज एड पे क्लिक करूंगा. Now, मुझे बस लास्ट के दो तीन चीजें करनी है एंड देन आई विल बी डन विद माय ऐड. नाउ पिक्चर चूज करनी है. सी देयर आर टू वेज. या तो आप कोई ऐसी पिक्चर चूज कर सकते हो जहां पे आप खुद काम करते हो लैपटॉप पे और आपने उसको एडिट किया है कैनवा में या कहीं और, सो इट लुक्स रियली गुड. या अपनी टीम की कोई पिक्चर है आपके पास, या आप कोई स्टॉक इमेज भी ले सकते हैं. नाउ इमेजिन लाइक यू नो मेरे पास कोई अच्छी इमेज नहीं है जो मुझे लगता है कि मैन को अट्रैक्ट करेगी या कोई अट्रैक्ट होगा मेरे बिजनेस की तरफ. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आल्सो लुक फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था. तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा फ्री पिक में, राइट. और फ्री पिक में मैं सर्च करूंगा फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम. जी मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया. अब देखो बहुत सारी इमेज आ रही है और ये सारी जो इमेज है मोस्टली फ्री होती है. अब इसमें आपको कुछ रिलेवेंट दिखेंगी, कुछ बहुत इरिलेवेंट दिखेंगी, कुछ फॉरिनर्स की दिखेंगी बहुत ज्यादा, बट आइडियली यू शुड अवॉइड देम. नाउ फॉर एग्जांपल जो पहली इमेज है, आई थिंक इट्स अ रियली गुड इमेज क्योंकि मैं मेन को टारगेट कर रहा हूँ एंड इसमें एक अच्छा सा लाइक यू नो सेटअप दिख रहा है, तो इसको मैं सेव करूंगा. आई सेव दिस इमेज. और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फेसबुक एड करके सेव कर. Now there are two things जो मैंने last time भी कहा था. मैंने कहा था कि you know या तो आप इसको directly add कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा edit भी कर सकते हैं Canva में, so that जो आपका ad है इसमें एक you know it looks more attractive, it can be more appealing. तो so for example अब मैं क्या करूंगा, मैं Canva में जाऊंगा. Okay? कैनवा में मैं क्रिएटिव डिजाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा मैं फेसबुक एड में. नाउ फेसबुक एड में आप देख रहे हो बहुत सारे डिजाइन हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो आप कोई भी फ्री टेम्पलेट चूज कर सकते हो. और यहां से मुझे अपनी इमेज को अपलोड करना है, सो आई विल क्लिक ऑन अपलोड. जहां पे मैंने अभी इमेज सर्च करी थी उसको मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा फेसबुक एड. तो आप देख रहे हो यहां पे मेरी इमेज अपलोड भी हो गई. नाउ आई कैन एडिट दिस इमेज द वे आई वांट. ओके, तो मुझे अपने लिए एक फेसबुक एड क्रिएट करना है. तो फेसबुक एड पे जो ही मैंने क्लिक किया, यहां पे फॉर एग्जांपल आई लुक फॉर बिजनेस स्पेसिफिक टेम्पलेट. Now, for example, this one, I hope it's free. ये तो paid है. कोई और template. This one. Okay, for example, this one. Let me pick some other good template because this method.
Okay. ये भी पेड है. लुक फॉर द फ्री वंस. ओके इफ यू डू नॉट हैव द पेड सब्सक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. अब मैंने यहां पे ऑलरेडी अपनी इमेज को अपलोड किया है राइट. तो मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज को यहां पे ड्रैग करूंगा. सो लेट मी जस्ट डिलीट दैट वन. नाउ माय इमेज इज हियर. इस टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी थोड़ा सा प्लेस कर सकता हूँ. किसी किसी कंपोनेंट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ राइट. Now I will just फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये स्टैम्प किया जहां पे मैंने कुछ डिटेल लिखी. तो इफ यू लुक एट इट, अगर मैंने टेक्स्ट भी पोस्ट किया, मैंने बहुत ज्यादा टेक्स्ट यहाँ पे अपलोड नहीं किया. इट स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल. अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक यू नो मुझे फॉन्ट को चेंज करना है, मुझे किसी और कलर का फॉन्ट चाहिए, मुझे किसी और स्टाइल का फॉन्ट चाहिए, तो सारी चीजें अवेलेबल है. यू सी नाउ माई क्रिएटिव इज रेडी. वट आई विल डू इज आई क्लिक ऑन डाउनलोड and I'll download it as a PNG. और तो इसको मैं डाउनलोड करूं. Now मैं अपने ऐड टूल में क्या करूंगा, जहां पे मैंने सिंगल इमेज ऑप्शन चूज किया था मीडिया में राइट. उसके बाद मुझे मीडिया ऐड करना है, तो I'll क्लिक ऑन एड इमेज. ये पहले मुझे अपनी लाइब्रेरी में लेके जाता है, जहां पे मैंने मे बी पहले एड रन किया हो, बहुत सारा इमेज जो दिखेगा. लेकिन यहाँ के लिए मैंने अलग से एक इमेज बनाई है, तो I'll go to upload. और डाउनलोड में जो इमेज मैंने डाउनलोड करी, आई विल अपलोड दैट इमेज हियर. ऑफ द परफेक्ट साइज एज वेल. नाउ जब यहां पे अपलोड होगी लाइब्रेरी में, मैं कंटिन्यू करूंगा, तो आप देख रहे हो ये एड की इमेज अब यहां पे दिखेगी. यानी माय मीडिया इज आल्सो सेट. अब मुझे बस दो चीजें करनी है, टेक्स्ट एंड लिंक. यानी आप इस इमेज के बारे में क्या लिखना चाहते हो. मेरा एड लोगों को ऐसे दिखेगा, आप देख रहे हो मोबाइल न्यूज फीड में ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे लोगों को मेरा एड ऐसे दिखेगा. यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे मेरे पेज का नाम, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन, और अभी क्या मिसिंग है, कैप्शन. ओके फॉर एग्जाम्पल अब मैं जो टेक्स्ट दे रहा हूं, वेरी सिंपल कॉल टू एक्शन बेस्ड डायरेक्ट एड, हायरिंग एम्बिशियस पीपल फॉर माय फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन टीम. This much is enough. हमें जरूरी नहीं है कि डिटेल कैप्शन दे दें, बट प्लीज मेक श्योर, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा है, डू नॉट प्राइमरी टॉक अबाउट मेक मनी, डू नॉट टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, डू नॉट टॉक अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, डू नॉट टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फ्री की बात करते हैं, फ्री ट्रिप्स की बात करते हैं,
बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, जब आप ऐसी चीजें करते हैं जो कि लगे कि एक फ्रीबी है, एक रिवॉर्ड है, या किसी भी एंगल से लगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि फेसबुक आपके एड को रिजेक्ट कर देगा. ओके, ये मेरा कैप्शन हो गया. आप यहां पे मैं हेडलाइन दूंगा. ओके, बी योर ओन बॉस, सिंपल. आप देखो यहां पे मेरी हेडलाइन दिखी. ओके, उसके बाद लास्ट चीज जो यहां पे है वो कॉल टू एक्शन. साइन अप की जगह मैं लर्न मोर कर दूंगा, बिकॉज लर्न मोर में क्या होगा, अब कोई समबडी विल बी इंटरेस्टेड. अब जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को कहां कहां मेरा एड दिखेगा, उनको मोबाइल न्यूज फीड में दिखेगा, डेस्कटॉप न्यूज फीड में दिखेगा, इंस्टेंट आर्टिकल्स में दिखेगा, उनको स्ट्रीमिंग में दिखेगा, मार्केट प्लेस में दिखेगा, मोबाइल, डेस्कटॉप, हर जगह, फेसबुक स्टोरीज पे दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, एक्सप्लोर सेक्शन में, स्टोरी सेक्शन में, न्यूज फीड में भी. तो इट मीन्स दैट जो मेरा एड है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगह पे दिखेगा. एंड माय एड इज वेरी सिंपल, जहां पे मैंने एक अच्छी इमेज ले ली, हल्का सा एडिट करके मैंने उस पे कॉल टू एक्शन भी डाल दिया, यहाँ पे मेरा सिंपल वन लाइन का कैप्शन भी आया, एक हेडलाइन भी आई. इट मीन्स दैट आई एम ऑल सेट. अब मुझे बस लास्ट चीज करनी है एंड देन माय एड इज ऑल सेट टू परफॉर्म. और वो है क्या, इंस्टेंट फॉर्म. अब यहाँ पे देर इज सम प्रॉब्लम विद द फॉर्म जो स्नेहा ने शायद कभी पुराना क्रिएट करा है, तो यहाँ पे मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करूंगा. फॉर्म मतलब सी, अगर कोई भी यहाँ पे मेरे एड पे क्लिक करेगा, यहाँ पे लर्न मोर, तो जो ही फॉर एग्जांपल मैंने स्नेहा का एड देखा, मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक फॉर्म ओपन होगा जहां पे मुझे डिटेल भेजनी है, और जो भी मैं डिटेल भेजूंगा वो फिर किसके पास आ जाएंगी, स्नेहा के पास. एंड देन स्नेहा कैन स्टार्ट हर रिक्रूटमेंट ड्राइव, शी कैन स्टार्ट टॉकिंग टू मी ऑन फोन, ऑन व्हाट्सएप एंड रिक्रूट मी. बट हाउ टू सेट अप दैट फॉर्म, बहुत इजी है. यू सी, हम क्लिक करेंगे न्यू फॉर्म पे, देन यहां पे आप देखो फॉर्म टाइप, यहां पे आप मोर वॉल्यूम दिखाया है तो मोर वॉल्यूम पे क्लिक करो, डू नॉट चेंज इट. इंट्रो ऑप्शनल है तो इसको आप डिसेबल कर दो, जरूरी नहीं है कि आपको इंट्रो देना है. बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपको क्या क्या चाहिए, आपको ईमेल आईडी चाहिए, नहीं ईमेल आईडी आजकल ज्यादा यूज नहीं करते तो नहीं चाहिए. फुल नेम, यस आई वांट देयर नेम. उसके बाद कॉन्टैक्ट फील, मुझे उनका फोन नंबर चाहिए. यहाँ पे जैसे मैं आप 2-3 सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ, तो यस मैं उनको उनकी सिटी भी बोलूंगा कि आप कौन सी सिटी से हो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो बहुत क्रिटिकल है, यहां से मैं उनका प्रोफेशन भी मांगूंगा, वर्क इन्फॉर्मेशन, जॉब टाइटल, यानी वो अभी क्या करते हैं. मैं सिर्फ ये चार डिटेल मांग रहा हूँ, एक उनका फुल नाम क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, वो कौन सी सिटी में रह रहे हैं और अभी क्या कर रहे हैं, क्या वो एक होम मेकर है, क्या वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो लाइक यू नो किसी स्टार्टअप में है, राइट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. जो ही मैंने क्वेश्चन भी सेट किए, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आता है. एंड प्राइवेसी पॉलिसी में आपको लिंक यूआरएल रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड. और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं चलता, बट आई थिंक इट वर्क्स रियली फाइन. सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई विल डू हियर इज, जो स्नेहा का पेज है फॉर एग्जांपल दिस वन, इसका यूआरएल ले लूंगा, सी आई विल कॉपी दिस और इसको फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. ओके, उसके बाद थैंक यू स्क्रीन आएगी. तो थैंक यू स्क्रीन में जैसे मैंने डिटेल भेजी तो ऑटोमेटिकली यहां पे फिर मैसेज आ जाएगा, फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर योर टाइम. ओके, डिस्क्रिप्शन इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, आई एम सो एक्साइटेड टू हियर, सॉरी एक्साइटेड टू have your details. I will get in touch with you shortly. Thank you, Sneha. Okay.
देन इन केस अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उनको वेबसाइट पे भी भेज सकते हो, बट अभी अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो जरूरी नहीं है आप उनको कॉल पे भी लेके जा सकते हो. यू सी कॉल बिजनेस से आप ना मुझे कॉल भी कर सकते हो, बटन टेक्स्ट कॉल नाउ, यानी आप मुझे कॉल कर सकते हो, देन अपना कंट्री का कोड इंडिया और यहाँ पे अपना नंबर. ओके, यू सी अब यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ गए. मैंने प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे डिस्क्लेमर लिंक भी दे दिया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू सी कि मेरा फॉर्म सही है कि नहीं है. मैं इसको अभी सेव करूंगा और अब इसको फिनिश करूंगा. यू सी ऑल थिंग्स वर्क. बहुत सारे बार मुझे लोग कहते हैं कि जब वो प्राइवेसी पॉलिसी में अपने पेज का लिंक देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता. ये करता है, आपने खुद देखा यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन इन माई एड. नाउ अब मुझे क्या करना है, बस मुझे कन्फर्म करना है. बट बिफोर कन्फर्मिंग मैं एक बार रिव्यू करूंगा कि मेरा एड कैसा दिख रहा है. ओके, रिव्यू इज इम्पोर्टेंट. यू सी लीड जनरेशन एड है जो मैं वेस्ट बंगाल में मार्च 23 को रन कर रहा हूँ. आसनसोल, कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ये एड दिखेगा लोगों को. प्लेसमेंट ऑटोमेटिक है, यानी इंस्टाग्राम फेसबुक में हर जगह दिखेगा. इसमें मेरा जो बजट है वो 1500 रुपए है. 23rd से 26 मेरा एड रन होगा. लीड्स आ जाएंगी मेरे पास कम कॉस्ट में. और यस, ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरी इमेज है. एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, आपको बस यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे. एंड द मोमेंट यू क्लिक ऑन कन्फर्म, आपका जो एड है वो रिव्यू में चला जाता है. आइडियली 30 मिनट्स इज द आइडियल प्रोसेस, हाफ एन आवर रिव्यू. कभी कभी 1 घंटा 2 3 4 6 10 घंटा भी लग सकता है, बट यूजुअली हाफ एन आवर 1 घंटा में आपका एड या तो अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा. वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की प्रमोशन कर रखी है, आपका पेज कितना अच्छे से सेटअप है और आप कितने ऑथेंटिक और क्रेडिबल प्रेजेंस है आपकी सोशल मीडिया पे, यानी फेसबुक पे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपने क्या क्या कंटेंट यूज किया है. कहीं आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या किसी रेसिज्म कोई भी चीज है जो लाइक यू नो सेंसिटिव हो सकती है, अगर वो नहीं है तो आपका एड इजीली अप्रूव हो जाएगा और हाफ एन आवर में आपको एड अप्रूव होके आपके पास डिटेल्स आ जाएंगे. ओके, नाउ यू माइट बी आस्किंग कि ठीक है, जो लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेंगे उनकी डिटेल कहाँ आ जाएंगे. बहुत ईजी है. ओके, अब जैसे ये स्नेहा का पेज है तो समझो कि इनका एड रन हो गया और 12 घंटे में 70 पीपल सेंड देयर डिटेल्स या 100 पीपल सेंड देयर डिटेल्स. तो स्नेहा को वो डिटेल कहाँ पे मिलेंगी, वो उनको अपने पेज से मिलेंगे. जब आप अपने पेज पे आते हो, यू सी आपको देखना होता है यहाँ पे पब्लिशिंग टूल्स. ओके, तो यू विल क्लिक ऑन पब्लिशिंग टूल्स और पब्लिशिंग टूल्स में जब आप आते हो यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन आता है फॉर्म्स लाइब्रेरी का, जो लीड एड फॉर्म्स के नीचे फॉर्म्स लाइब्रेरी है. आप यहाँ पे क्लिक करो और यहां से क्या होगा, जितने भी लोगों ने आपको डिटेल भेजी है ये हर 12 घंटे में अपडेट होता है और आपके पास एक बना बनाया एक्सेल फाइल आती है जिसे आपको डाउनलोड करना होता है. आप डाउनलोड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, नाम, सिटी, मोबाइल नंबर और उनका करंट प्रोफेशन. तो आप फिर उनको कॉल कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप पे ऐड करके पर्सनल डिटेल भेज सकते हो. नाउ इसमें बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, जब मैं अभी कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट कर रहा था राइट, मैंने क्या क्या डिटेल मांगी. मैंने नाम मांगा, मैंने सिटी मांगी, मैंने मोबाइल नंबर मांगा और मैंने प्रोफेशन भी मांगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा मैं तो अभी टीचर हूं राइट, तो इट मींस दैट यू ऑलरेडी नो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन वो टीचर है, तो आप उनको कैसे रिक्रूट कर सकते हो. यू कैन पर्सनलाइज योर पिच. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नेटवर्क में कोई टीचर है जो आज के टाइम में एक गोल्ड डायरेक्टर है आपके साथ, तो आप उनकी पिक्चर एक अच्छी टेस्टिमनी बना के उनको सेंड कर सकते हो. हे आई एम सो एक्साइटेड और आई एम सो ग्लैड टू नो दैट कि आप एक टीचर हो. इंटरेस्टिंगली मेरे टीम में भी 2-3 टीचर हैं जो काफी अट्रैक्टिव इनकम अर्न करने के साथ साथ बहुत ज्यादा वुमेन को एम्पावर भी कर रहे हैं, तो मैं आपको उनकी कुछ टेस्टिमनीज भेजूंगा. अदर देन दैट लाइक यू नो आप मुझे बता दो व्हाट इज द राइट टाइम, तो हम फोन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज द राइट अप्रोच टू रीच आउट टू समवन, नॉट कि आप ये कैटलॉग देखो, आप उनके पीछे पड़ जाओ, नहीं मैं आपको जल्दी से एक ऑर्डर बनाना सिखा दूं, आप ऑर्डर प्लेस कर दो. नहीं,
Just find a right way to approach to them. And I think that's all from me. It's not rocket science. Agar aap dekhoge jo ad ka time hai, aap 5 se 10 minute mein apna ek ad easily chala sakte hain. Kyunki main explain kar raha hu, mujhe mechanism samjhana hai, mujhe ideas dene hain, so that's why it took me almost more than an hour. Lekin ye agar aap dekhoge 10 minute se zyada ka kaam nahi hai. But it's not just about the manual thing ki maine mechanism seekh liya. What is really important ki aap कैप्शंस क्या देते हो, पिक्चर्स कैसे यूज करते हो, टारगेटिंग के साथ कैसे यू नो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो, क्या क्या आप लाइक यू नो इनोवेशन लाते हो, किस किस टाइप के ऐड करते हो, क्या आपका एक प्रॉपर प्लान है. नाउ इमेजिन आपने कोलकाता में चलाया ऐड, आपने मुंबई में चलाया ऐड, आपने नॉर्थ ईस्ट में चलाया ऐड, आपके एट अ टाइम 5-10 अच्छे ऐड चल रहे हैं, पर डे आपको 100-150 लीड आ जाएंगी, दैट इज श्योर शॉट. That's why, like you know, digitally आप काफी तेजी से grow कर सकते हो, provided you know and you have a system कि आपको reach out कैसे करना है, okay? So that's all from me for today. Thank you again for being here. Now मेरे पास थोड़ा सा time है questions देने का, तो कुछ लोगों ने already Q&A through questions पूछे हैं, तो I'll be just taking some questions there. Yes, आपको WhatsApp का link मिलेगा. Don't worry about that. Okay, and chat pe there are some questions. Yes, I will be sharing the recorded version of this. Jinko aaj ka recorded version chahe that, and who want to join my WhatsApp group, please email me on safir.hashmi@oriflame.com. Okay. मोबाइल पे पब्लिशिंग टूल्स का ऑप्शन नहीं आएगा सैडली, सो यू हैव टू डाउनलोड दीज लीड्स फ्रॉम द लैपटॉप इटसेल्फ. ओके, सो प्लीज सेंड मी योर ईमेल. मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं safir.hashmi@oriflame.com. ओके, आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक टू डाउनलोड द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ टुडेज ट्रेनिंग, और साथ में ही मैं आपके साथ अपने WhatsApp ग्रुप का लिंक भी शेयर करूंगा, सो दो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एज वेल. ओके, यस एग्जैक्टली, safir.hashmi@oriflame.com. ओके ओके, सम पीपल आर आस्किंग फॉर